हेलो फ्रेंड्स, मैं रिडिजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हॉस्टन वार्डन के लिए, ठीक है जी, हॉस्टन वार्डन के लिए जो है अलग से सेशन चलाई जा रही है। ठीक है, कंप्यूटर में लगभग हम 350 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, ठीक है जी। साथ ही साथ उसी बेस के जो है ये आपका जो है 10 नंबर से आपसे बाल मनोविज्ञान से पूछा जाएगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर आप देखे होंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान आपके जो है सी टेट के लिए भी काम आएगा। ठीक है, सी टेट, सी जी टेट और अन्य जो एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, टीचर भर्ती, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बालक अच्छा बोलने वाला, ठीक है, एक बालक अच्छा बोलने वाला और लिखने वाला होता है किंतु एकांत में कार्य करना चाहता हो, इस बालक का व्यक्तित्व तो कैसा है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो ये बालक का व्यक्तित्व तो कैसा होगा? ये जो है उभयमुखी होगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो एक बालक अच्छा बोलने वाला, लिखने वाला होता है, एकांत में कार्य करना चाहता है, तो ये बालक व्यक्तित्व वहाँ पर उभयमुखी होते, तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम तथा परहम व्यक्ति तीन घटक हैं? ब्रूनर, फ्रायड, पियाजे या एडलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रायड के अनुसार। ठीक, मतलब जो है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम तथा परहम व्यक्तित्व के जो है तीन घटक है, तो फ्रायड के अनुसार ये जो है तीन घटक इन्होंने बताया था इस मनोवैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, फ्रायड इसके याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हस्तलेख की विशेषताओं से लगाया जा सकता है लेखन कला का अनुभव, बी है व्यक्तित्व का अनुमान, ज्ञान का अनुमान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हस्तलेख, हस्तलेख मतलब जो हाथों के लिखने वाला की विशेषताओं को लगाया जाता है व्यक्तित्व का अनुमान। ठीक, तो वो व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं, उसके हाथों की विशेषताओं से आप लगा सकते हैं। ठीक जी, इसका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। ये जो है व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है जी, ये जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, शब्द साहचर्य परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने, यूंग ने, मार्गन ने या बेक ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाल्टन। ठीक है, तो शब्द साहचर्य परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जो मनोवैज्ञानिक गाल्टन थे, इन्होंने इसका जो प्रयोग शब्द जो है साहचर्य परीक्षण का जो प्रयोग इन्होंने किया था गाल्टन के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है? ठीक है, मतलब व्यक्तित्व का कौन सा जो है लक्षण नहीं है? तो विचार और भावना, संवेदना, अंतःप्रज्ञा, आंकना और समझना या कंद और रंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंकना और समझना, ये जो है व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको व्यक्तित्व के विकास में किसका मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है जी, तो किसको व्यक्तित्व के विकास में किसका मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो इसको जो है पीयूष ग्रंथि जो है मुख्य ग्रंथि कहलाती है। सी ऑप्शन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डबल स्टार लगा, मतलब ये आपके मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है, सी टेट, सी जी टेट वगैरह में भी क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा जो है पर्यावरणीय कारण जो कारक होते हैं इसको व्यक्तित्व को जो प्रभावित करते हैं? सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक या उपयुक्त सभी। इसका जो है उपयुक्त सभी, ती सभी जो पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करते हैं, इसमें सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक जो है उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाए। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, अहम निर्देशित होता है, ठीक है, तो अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत के द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा या सामान्य सिद्धांत के द्वारा। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अहम निर्देशित होता है वास्तविकता का सिद्धांत के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परीक्षण में से
कौन सा परीक्षण सेस से भिन्न है, ठीक है, अलग है, उसको बताना है, ठीक है, परीक्षण के मामले में। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट, 16 PF, TAT या ड्राइनमैन टेस्ट। तो इसका जो 16 PF ये जो है परीक्षण से संबंधित जो है, मतलब जो ये जो AC और D से जो है परीक्षण से संबंधित, बाकी जो है बी जो है ये आपका जो है करेक्ट, मतलब अलग इन तीनों से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेपी विधियों में, ठीक है, प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु सही कथन है। तो व्यक्ति के सामने स्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत करके, व्यक्ति के बारे में कल्पना करके, साक्षात्कार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत करके जो है ये जो है प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु सही कथन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कथन है जेम्स टेवर का, स्किनर का, गाल्टन का, टायलर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर, ठीक। तो व्यक्तिगत विशेषताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से जिनका जो मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, यह कथन जो है मनोवैज्ञानिक स्किनर के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है गृह कार्य के मूल्यांकन में, कक्षा में अनुशासन रखने में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक को जो है मदद करता है, ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न में अनुमति देना है, अलग अलग समूह में काम करने की, एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की, इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव कम करने के तरीके बच्चों को ये जो है अनुमति देता है एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने में, ठीक है, इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा किस प्रकार की भिन्नता का पता चलता है, शारीरिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, या उपलब्धि में भिन्नता, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपलब्धि में भिन्नता, यह जो भिन्नता का पता चल, मतलब उपलब्धि के परीक्षाओं में किस प्रकार के भिन्नता का पता चलता है, तो उपलब्धि में भिन्नता जो है ये आपका जो है पता चलता है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है शारीरिक संरचना, लिंग भेद, मानसिक संरचना, ये उपयुक्त सभी, ठीक। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है शारीरिक संरचना भी, लिंग भेद भी, मानसिक संरचना भी, मतलब उपयुक्त सभी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है क्षेत्र है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान जो है किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर, या पारिवारिक स्थिति पे। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, वैयक्तिक जो विभिन्नता पे जो है ये आपका मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, ठीक है। तो अध्यापक का जो है सर्वाधिक ध्यान ये वैयक्तिक विभिन्नता पे जो है होना चाहिए, ठीक है जी, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, विद्यालय में कुछ बच्चे लंबे तथा कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, कुछ प्रतिभाशाली तथा कुछ मंद बुद्धि के हैं, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लैंगिक विभिन्नता पर, प्रजाति विभिन्नता पर, बौद्धिक भिन्नता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको बारीकी से आपको पढ़ना है, तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वैयक्तिक विभिन्नता पे जो है ये जो है सिद्धांत पे आधारित, ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है, डाल्टन प्रणाली, याद रखिएगा डाल्टन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो डाल्टन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है उसको बताना है, कार्य का ठेका, प्रत्येक विषय वस्तु प्रयोगशाला, अध्यापक कार्यपथ प्रदर्शन के रूप में, या डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है डाल्टन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, एक कार्य का ठेका, प्रत्येक विषय वस्तु है तो प्रयोगशाला, अध्यापक कार्यपथ प्रदर्शक के रूप में, मतलब जो है उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत
विविधताओं वाले बच्चों को, ठीक, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम जो प्रविधियों को जो प्रयोग करने में जो है प्रशिक्षित हो। बी है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। सी है बच्चों को समरूप अधिगम कर्तव्य बनाने में जो प्रशिक्षित हो, ठीक है। और आपका डी है कि जो व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में जो इसको पढ़ा सके, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का जो प्रयोग करने में जो है प्रशिक्षित हो, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है मतलब जो व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहे जहाँ शिक्षक के जो है ये जो है प्रयोग जो प्रशिक्षित प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं तो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक है, ठीक है, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। बी है कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रमय करने के लिए कहेगा ताकि वो अपने साथियों के बराबर पहुँच सके। सी है कि जो है समूह में व्यक्तिगत भिन्नता बताने के लिए जो उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा। डी है सांस्कृतिक, ठीक है, यहाँ पे जो है डी है कि जानकारी सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो वही बोला गया था जिस कक्षा में जो है विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी हैं तो वहाँ एक जो प्रभावी शिक्षक होगा कि सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा, ठीक है जी, और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगी। ये आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए, ठीक है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सरल एवं सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से, समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी से, या इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सरल एवं सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां जो है प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम के सार्वभौमिक संरचना से, ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आज का सेशन यही तक रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है जी। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हॉस्टन वार्डन का सिलेबस उठा के देखेंगे तो यहाँ से 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, ठीक है जी। बाकी जो है कंप्यूटर के सेशन से बढ़िया जुड़िएगा। मैं अभी जो है 500 MCQ करा रहा हूँ मैं, ठीक है, लगभग 350 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। कंप्यूटर में 500 क्वेश्चन यहीं पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसलिए कंप्यूटर के सेशन चलाया जा रहा है। आप सिलेबस उठा के देख रहे हैं तो यहाँ पे 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है जी। 30 में जब तक आप 15 नंबर नहीं लाएंगे तब आपका जो है क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे, वहीं से सीधा आपको जो है डिसक्वालीफाई कर देंगे, ठीक है जी। तो कंप्यूटर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बाकी उधर आप जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप समझदारी है। चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।